अरे अरे क्रोनोलॉजी समझिएगा, मोदी जी ने नीतीश जी को खुद ही निपटाने का प्रोग्राम बनाया। नीतीश जी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब कुदरत की लाठी चलती है तो कुछ समझ में नहीं आता। जो चाले की जनता 7 तारीख को 3 नंबर पंजे के हाथ पर अपना बटन दबाकर इस बात को साबित कर देगी कि झाले में और बिहार में अब मुद्दों की राजनीति होगी, अब शिक्षा की बदहाली पे बात होगी और शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं जो बदहाल हो गई हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हैं यहाँ झाले विधानसभा में चुनावी प्रचार करने आए थे जी, क्या कहते हैं सर? बस हम लोगों से अपील करने आए थे। नौजवान है, 27 साल का, उसे चुनाव जिताइए, अरे आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? आने वाले वक्त में बिहार का एक बड़ा नेता बने, क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? क्या मुद्दा? मैं लोगों के बीच में नौकरी का मुद्दा लेकर जा रहा हूँ। 15 साल की जो सरकार है, कोई काम नहीं किया, उसको बदलने के लिए लोगों से अपील है। सर, 15 लाख एनडीए तो पहले मना कर रही थी, आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी सर। एनडीए तो पहले कह रही थी पैसा कहाँ से आएगा सर, अब 19 लाख का पैसा कहाँ से आएगा सर? मस्कूर के आने से कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? नहीं नहीं, मस्कूर जीतेंगे तो बिल्कुल मजबूत होगी, ये तो झाले के लोगों की जिम्मेदारी है कि मजबूत। अभी लटान की टीम इस वक्त जो है झाले विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जी हैं जी सर, प्रचार करने आए थे झाले विधानसभा क्षेत्र में। जबरदस्त माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और ठगबंधन की सरकार जाने वाली है। क्या रुझान मिल रहा है सर? एक तरफा महागठबंधन जीत रही है। हो गया। ये मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ थे, इनका कहना है कि एक तरफा सरकार जो है बन रहा है और ठगबंधन जो है पूरी तरीके से हारे के साथ अपने बात को खत्म करूंगा। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन मशकूर। घर बार माँ बाप से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, अपने माँ बाप घर बार से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, पेट खाली था और भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे, दिल में थी बेबसी आंख आंसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। अरे अरे क्रोनोलॉजी समझिएगा, मोदी जी ने नीतीश जी को खुद ही निपटाने का प्रोग्राम बनाया। नीतीश जी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब कुदरत की लाठी चलती है तो कुछ समझ में नहीं आता। 2015 में जब लालू प्रसाद यादव जी ने नीतीश जी को गले लगा करके कहा था कि चलिए मुख्यमंत्री बन जाइए बिहार के, और नीतीश जी का भाषण देके कहते हैं कि बीजेपी का मतलब बहुत झूठा पार्टी, ये नीतीश जी कहते थे, और फिर 1.5 साल बाद फिर उसी भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए थे। मेरा मानना है कि ये बिहार है, ये हर गुनाह माफ कर सकता है लेकिन गद्दारी नहीं माफ कर सकता, क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी, ये माफ नहीं करेगा गद्दारी को। और नीतीश जी ने बिहार की आवाम के एहसास और जज्बे के साथ गद्दारी करी है, इसलिए इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा, लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? ऐसे काम नहीं चलेगा, आपकी आवाज नीतीश बाबू के कान तक तो जाए। अरे लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? इधर कुछ लोग चुप बैठे हैं, तो बैरिकेडिंग में बैठे हैं वो भी शामिल हो। 15 सालों का बदला लिया जाएगा, लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया
चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। देखना मोदी जी नीतीश जी, देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम। याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। जाने वालों गरीब क्यों है तो बुजुर्ग फरमाया, बोला भाई साहब ये हाथों की लकीरें हैं, ये माथे की तकदीरें हैं, ये ऊपर वाला लिख के भेजता है, ये बदली भी जा सकती। मैं पंजाब की सरजमीन से चल के आया हूं, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ऊपर वाले ने बिहार की किस्मत में बेरोजगारी लिखी है। ऊपर वाला ऐसी बातें लिखता है, ऐसी बातें नहीं लिखता। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ऊपर वाले ने बिहार के माथे पे लिख दिया कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहेंगे। ये ऐसी बातें लिखता है ऊपर वाला, ऐसी बातें नहीं लिखता। और अगर आप भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपके पास आया हूं कि बिहार की तकदीर को बदलना है, बिहार की किस्मत को बदलना है, बिहार के हालात को बदलना है। और बिहार की तकदीर को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी को आप जैसे ईमानदार और गैरतमंद लोगों की मदद की जरूरत पड़ गई। मैं आपसे मदद लेने आया हूं, आप मदद करो। और किसी शायर ने लिखा है, ना रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी। हमने बिहार की किस्मत को चांद और सितारों पे नहीं छोड़ना। ना रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी, अपनी मेहनत के मैंने सदा उजाले देखे, अपनी मेहनत के मैंने सदा उजाले देखे। तस्करा नजूमी ने लकीरों का वही छोड़ दिया जब नजूमी ने मेरे हाथों के छाले देखे। अरे जिस कौम के हाथों पर छाले हो उस कौम की तकदीर, उस कौम की तकदीर बुरी कैसे हो सकती है। हदीसों में फरमान है कि अगर आपके आंखों के सामने कोई बुरा काम हो रहा है तो उस बुरे काम को हाथ से रोको, हाथ से रोको। और अगर आपको डर लगता है वहां बदमाश है मेरा नुकसान कर देंगे, हदीसों में लिखा है जुबान से रोको, जुबान से रोको। और फिर भी डर लगता है तो फरमाया उसको अपने दिल में बुरा समझो। दोस्तों आज बिहार का इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिन्नत टाइम्स।